ये पांच आदतें तुम्हारा जीवन बदल कर रखती हैं। ये पांच आदतें तुम्हारे जीवन को संपूर्णता से परिवर्तित करने के लिए हैं। ये पांच आदतों से तुम्हारा जीवन नया निर्माण हो सकता है। इंसान अपनी आदतों से जाना जाता है। इंसान की पहचान उसका रूप रंग केवल नहीं है, इंसान की पहचान उसका केवल नाम भी नहीं है, इंसान की पहचान उसका देश, उसका प्रदेश, उसका जिला, उसका नगर, उसका गांव और उसका वो मोहल्ला नहीं है। इंसान की पहचान उसकी आदत है। आदत, स्वभाव, नेचर और व्यक्तित्व, ये तुम्हारा श्रृंगार है अपने आप में। आपकी आदतें अच्छी हों तो आप बहुत अच्छे बन जाते हो, आपकी आदतें बुरी हों तो आप एकदम खराब हो जाते हो। आपकी आदत अच्छी हो, आपका स्वभाव अच्छा हो तो आप किसी के भी दिल में बस जाते हो। आपकी आदतें ठीक नहीं हो तो आप लोगों के दिल से उतर जाते हो। आपकी भाग्य से, आपके प्रारब्ध से आपको अच्छा स्तर, अच्छा काम, अच्छी व्यवस्था मिल सकती है, पर आप अपनी आदतन चीजों को खराब कर बैठेंगे। स्वाभाविक तौर पर आपका अपना एक आदत है, आपका स्वभाव है, आपका व्यक्तित्व है और उसके आधार पर काम करते हैं आप। और सच मानना, तुम्हारी उन्नति और अवोन्नति दोनों उसी पर निर्धारित है। पहली आदत कि आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। पहली आदत कि आप गलत होकर के भी गलत मानना नहीं चाहते अपने आप को, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, खुद को समझना नहीं चाहते। रोज कुछ नया हो रहा है जीवन में, रोज नया अनुभव मिल रहा है जीवन में, यहां से वहां से जहां से भी मिले कुछ सीखने की कोशिश करो। शिव पुराण कहती है कि जीवन आपका श्रेष्ठ तब हो सकता है जब तुम हमेशा विद्यार्थी बने रहो, जीवन में हमेशा सीखते रहो। जो नित्य सीखता है, नित्य पढ़ता है, विवेकानंद जी ने अपने खास किताबों में, खास वक्तव्यों में यही कहा कि मैं रोज पढ़ता हूं, मैं रोज सीखता हूं, मैं रोज समझता हूं। तुम नहीं करते। दूसरी आदत, तुम जो भी कुछ बोल रहे हो उसी को सत्य बनाने की कोशिश करते हो, सत्य को सत्य नहीं बनाते। तुम क्या कर रहे होते हो? तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी, तुम्हारा सारा का सारा बल, तुम सारी की सारी ताकत उसमें लगा देते हो कि तुम जो कर रहे हो, तुम जो कह रहे हो वही सत्य है। स्वीकृति नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम स्वीकार नहीं करना चाहते। परिवर्तन कैसे आएगा? तुम परिवर्तन को भी स्वीकार नहीं करोगे, तुम नवीनता स्वीकार ही नहीं करते। तुम्हें ठंडे पानी से नहाने की आदत है, गर्म मिले तो तुम्हें ठीक नहीं लगता। तुम्हें गर्म पानी से नहाने की आदत है, ठंडा मिले तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हें गर्म भोजन करने की आदत है, ठंडा मिले तो तुम गुस्सा हो जाते हो। तुम्हें परिवर्तन स्वीकार नहीं है। अपने को सहज बनाओ, अपने को सरल बनाओ, परमात्मा जैसे रखे वैसा रहने की कोशिश करो। शास्त्र कहता है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद होना चाहिए। किसी बात के लिए धन्यवाद नहीं, हर बात के लिए धन्यवाद है। धन्यवाद निर्विवाद, हानि लाभ सही है। जो मिले परमात्मा का प्रसाद समझकर सहन करिए। बाबा का नाम जपते रहिए। तीसरी आदत, तुम हमेशा अपने रंग को अलग रखना चाहते हो।
ऐसा बनने की कोशिश करो कि तुम जहां जाओ उसमें समाहित हो जाओ। मंदिर जाओ तो बिल्कुल भगवानमय हो जाना, काम करने जाना तो सर्वश्रेष्ठ हो जाना, व्यापार करने जाना तो श्रेष्ठतम व्यापारियों की तरह आचरण करना, किसी की सेवा करने जाना तो विश्व के सबसे बड़े सेवक बनकर के निकल कर आना, किसी खास काम से जाना तो उसमें समाहित हो जाना। तुम समाहित नहीं होते, तुम बैंगन की भांति ऐसे हो कि तुम्हारे ऊपर पानी डाला जाए तो सब बह जाता है बाहर, एक भी बूंद तुम्हारे अंदर नहीं जाता, तुम्हारे अंदर स्वीकृति नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। स्वीकार करना सीखो। भगवान बहुत कुछ दे रहा है, परमात्मा हर क्षण तुम्हें कुछ देना चाहता है, तुम लेना ही नहीं चाहते। कोशिश करो, अभ्यास डालो इस चीज का, रोज सुबह दोपहर शाम रात प्रकृति तुम्हें हर क्षण पल कुछ चेंज करके दे रही है, तुम लेना ही नहीं चाहते। हाँ, प्रयास करो, छोटे बच्चे बन जाओ और जिस जगह जाना उसमें हो जाना। बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं तो बच्चों जैसी बातें करते हैं, बड़ों के साथ बैठते हैं तो बड़ों जैसी बातें करने लगते हैं। हाँ, तुम वैसे बनो ना, तुम चूना और हल्दी जैसे क्यों नहीं बनते? देखो, दोनों अपना रंग चेंज करके एक नया रंग बना लेते हैं। तुम दूध और पानी जैसे क्यों नहीं बनते? एक साधारण वस्तु दूध में मिलकर के अपना मूल्य बढ़ा लेती है, तुम ऐसे क्यों नहीं हो जाते? वो पुष्प बनो जो भगवान पर चढ़े तो प्रसाद, और अर्थी पर सर चढ़े तो मुक्ति। हाँ, सेज पर लगे तो आनंद और राहों पर बिछे तो स्वागत। क्यों नहीं बनते तुम ऐसे? तुम अपने रिश्तों को जी नहीं पा रहे हो। बाहर प्रदर्शन है, सबको तुम बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत कुछ तुम हर रिश्ते में दर्शन चाहते हो, वास्तविकता नहीं। तुम सबको दिखा रहे हो कि मैं माँ बाप की सेवा ऐसी करता हूं, मैं तो फला काम ऐसा ऐसा करता हूं। तुम दिखाओ मत, जीना शुरू करो। दूसरों के लिए नहीं, तुम स्वयं के लिए जीना शुरू करो। सबसे पहले अपने रिश्तों के साथ जीना शुरू करिए। तुम अपने रिश्तों को समझ नहीं पा रहे हो, तुम अपने रिश्ते को जी नहीं पा रहे हो। तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है, चौथे नंबर पर बता रहा हूं। तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दुख है कि तुम्हारे रिश्ते ठीक नहीं है। यह ग्रहों से भी हो सकता है और तुम्हारे अनुग्रह से भी हो सकता है, तुम्हारे प्रेम की वजह से भी हो सकता है, तुम्हारे व्यवहार प्रणाली से भी हो सकता है। हो सकता है कि गलती सामने वाले की हो, ऐसा संभावना है, पर 1% मान लो कि तुम्हारी गलती हुई तो ऐसी भी तो संभावना हो सकती है। वो 1% सही, पर हो तो सकता है ना, बस इतना सा अगर तुम मान लो तो रिश्ता सुधर जाएगा। और बच्चों, शिव भक्तों, ध्यान देना, प्रेम में जीतना नहीं, हारने में जीत है। जीत में तो तुम्हारी हार होती है, जीत में कोई जीत नहीं है। अपनों से हार जाओ तो तुम जीत जाओगे, अपनों के सामने झुक जाओ तो तुम बड़े बन जाओगे, अपनों को सर पर उठा लो तुम महान हो जाओगे, अपनों को संभाल लो तुम श्रेष्ठ हो जाओगे, और पूरे परिवार को अपने हृदय में समाहित कर लो तो तुम शिव हो जाओगे। पांचवी आदत, तुम हमेशा उन लोगों की तरह बनना चाहते हो जो दुनिया के सबसे ज्यादा खराब और दुखी और बेकार लोग हैं। अब तुम कहोगे ऐसा तो मैं नहीं करता, तुम ऐसा ही करते हो। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम उनकी चमक धमक देख रहे हो, तुम उनका वास्तविक जीवन नहीं जानते। तुम जिनका आचरण अनुकरण कर रहे हो,
जिनके तरीके से कपड़े पहनना चाहते हो, जिनके जैसा श्रृंगार करना चाहते हो, जिनके जैसे खाना पीना चाहते हो, जिनके जैसे रहना चाहते हो, तुम सच मानना उनका वास्तविक जीवन जैसे ही तुम देखोगे तुम्हें घिन आएगी, तुम्हें कई दिनों तक नींद नहीं आएगी और तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तुम दुनिया में बुरे लोगों को अपने अंदर देखना चाहते हो और बनना अच्छा चाहते हो। ये इस तरह से यात्रा है, बनना कुछ और है और हम बन कुछ और रहे हैं, इस वजह से हम कुछ नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि भैया आधी छोड़ी पूरी को धावे और पूरी मिले न आधी पावे। जब तुम बहुत भागम भाग करते हो, जब तुम्हारे जीवन में संतुष्टि नहीं होती है, जब तुम्हारे जीवन में सुख का एहसास नहीं करना जानते तुम, तो सुख नहीं आता। संतुष्ट हो जाओ, जो मिल रहा है परमात्मा की बड़ी कृपा है, ईश्वर बहुत दयालु है। महलो में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलो में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। अच्छी जगह रखे चाहे सामान्य जगह रखे, परमात्मा की बड़ी कृपा है। हाँ, ईश्वर की कृपा प्रसाद मानकर उसको अनुसरण करें और ग्रहण करें। भगवान के भक्त बनने की कोशिश करें, तुम भक्त बनाने की कोशिश मत करना। आज के जमाने में कोई भक्त नहीं बनने वाला, आज के जमाने में चापलूस बढ़ने वाले हैं। आज के जमाने में लोग चलो इसको दूसरे तरीके से बताता हूं, ध्यान से समझना। लोग सबसे ज्यादा बुराई किसकी करते मालूम? नेताजी की। नेताजी की बुराई करने वाले विश्व में 99.9% लोग मिलेंगे तुमको, पिक्चरों से लेके फिल्मों से लेके पूरी दुनिया में बुराई करने वाले मिलते हैं। और सबसे ज्यादा भीड़ नेताजी के घर पे मिलती है, कभी जाकर देखिए। और नेताजी अगर आ गए, जो बुराई कर रहा था उसकी गली में ही आने पर सबसे पहली सेल्फी अगर कोई लेगा तो वही लेंगे, फलाने नेताजी हमको जानते हैं। अच्छा, सबसे बुरा आदमी तुमको जानता है, वाह 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 वाह, कितना अच्छा है। नहीं, एक तरफ वो बुरे भी हैं और दूसरे तुम उनके साथ रहना चाहते हो, तुम इस बात को श्रेष्ठ मानते हो, तुम्हें पता ही नहीं क्या सत्य है। तुम्हारे नजर में गलत भी हैं और तुम्हारे नजर में अच्छे भी हैं। अरे हैं क्या, ये तो कंफर्म कर लो। तुम सबसे ज्यादा बुराई धर्म की करते हो और जब परेशान होते हो सबसे ज्यादा धर्म के पीछे भागते हो, मंदिरों में चक्कर लगाते हो, लाइन में लग के खड़े होते हो। तुम सब कुछ करो, मान कर करो, समझ कर करो, जान कर करो, खुद को जानो, खुद को समझो, दूसरे की जय से पहले शिव भक्तो, खुद की जय कहो। और ये पांचों की पांचों आदतें अगर तुम बदलोगे, चेंज करोगे, तो तुम्हें कहना पड़ेगा मेरा हर छल मेरा हर पल शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है।